Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Anika Javed, your instructor for patient safety lectures. Hope you are all fine. Everybody can hear me? Walaikum assalam, ma'am. Yes, ma'am. Yes, okay. Ma'am. Today we are going to discuss about what the patient safety is, error and human factors. Anyone has any idea about what patient safety is? Anyone? अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम मैम, मुझे आपसे एक बात करनी थी. जी बताएं. मैम मेरा ना क्या कहते हैं, इसी टाइम पे ना मेरा पार्क स्टडी का भी क्विज है और उसकी क्लास भी होती है मेरी, तो इसी टाइम पे मेरे पेशेंट सेफ्टी की भी क्लास है. मैंने आपको मेल भी किया है. तो आपने एडमिन से बात नहीं की? तो मैम आज फर्स्ट क्लास है पेशेंट सेफ्टी की, तो
मुझे टाइम का नहीं था पता कि उसकी टाइमिंग क्या थी, तो अभी मैंने देखा है तो वो क्लैश आ रहा है मेरा उसके अंदर। ठीक है, आज आपका क्विज है? जी मैम, पार्क स्टडी का क्विज है मेरा अभी। ओके ठीक है, फिर आप बाद में लेक्चर देख लीजिएगा। चलिए ठीक है मैम, ओके थैंक यू सो मच। एनीबडी हैज एनी आइडिया अबाउट व्हाट पेशेंट सेफ्टी इज? मैम, पेशेंट सेफ्टी ये होती है कि जैसे ही कोई भी पेशेंट आता है किसी भी डॉक्टर के पास, से डॉक्टर जो भी उसकी केयर में जो स्टेप्स लेते हैं उसको हम पेशेंट सेफ्टी कहते हैं। अगर हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले पेशेंट की लाइफ को सेव करना होता है, उसकी जो है पेन उसको रिलीफ करना होता है। तो जो भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप पेशेंट की केयर के लिए लेते हैं उसको हम पेशेंट सेफ्टी कहते हैं। मतलब पेशेंट को हमने, हमारी प्रायोरिटी डॉक्टर की हमेशा यही होती है कि हमने पेशेंट की लाइफ को सेव करना है, तो उसके लिए जो हम स्टेप्स लें उसको पेशेंट सेफ्टी आई थिंक कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। पेशेंट सेफ्टी जो है वो बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है। जब भी कोई भी पर्सन जिसको कोई प्रॉब्लम है, वो पेन है, फीवर है, किसी भी प्रॉब्लम या किसी डिजीज के साथ जब वो हेल्थ केयर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, वो कोई क्लिनिक हो सकता है, कोई बेसिक हेल्थ यूनिट हो सकता है, कोई सेकेंडरी या टर्शी केयर सेटअप हो सकता है, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, इवन अगर कोई पर्सन जिसने अपना कोई टेस्ट करवाना है वो लैब में जाता है, दिस इज हाउ ही इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द हेल्थ केयर सिस्टम। उस केस में जब वो हेल्थ केयर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है तो दे आर मल्टीपल फैक्टर्स जो फिजिकल भी होते हैं और नॉन फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो पेशेंट की सेफ्टी के साथ एसोसिएटेड होते हैं और जिनको जो है वो हमने कंसीडर करना होता है ताकि हेल्थ केयर सिस्टम की वजह से पेशेंट को कोई फर्दर प्रॉब्लम या कोई डिजीज ना हो, कोई एडवर्स इवेंट जो है वो पेशेंट के साथ ना हो। पेशेंट पहले ही किसी डिजीज के साथ या किसी प्रॉब्लम के साथ हेल्थ केयर सिस्टम में एंटर हुआ है, हमारी ये कोशिश होगी कि हम उन तमाम फैक्टर्स को, एरर्स को अवॉइड कर सकें जिनकी वजह से पेशेंट को फर्दर जो है हमारी वजह से जो है कोई प्रॉब्लम ना हो सके। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन वो मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही है कि 100 पार्टिसिपेंट्स रीच हो गए हैं, तो कैपेसिटी बढ़ा दें। मेरे पास तो अभी जूम बेसिक है, नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि हम क्लास को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स रह गए हैं फिर वो उसके बाद आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, उसके बाद जो है हमारे पास लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट द पेशेंट सेफ्टी इज एंड इन केस इफ देयर इज सम एडवर्स इवेंट दैट हैज अकर्ड विद द पेशेंट, then how we can, first we can prevent it, and if it is has happened then how we can minimize it and how we can make a fast recovery for the patient. There is a Swiss cheese model by WHO, and suppose these are the slices of cheese and in it there are holes. These slices of cheese, they are the protection barriers at each step. Whenever the patient has entered the healthcare system, these slices of cheese, they are presenting the protection barriers, and the holes in it, they are actually the flaws in the system that eventually can lead to some adverse event to the patient. For example, at very initial, there are some latent factors, such as they might be in the management problems, there might be some organization problems. Further on, if we do not correct these problems at that point, they can lead to more problems as well. Further on, if we come, we can see there are error producing more factors, such as by the team, individual, by the doctor, medical person, they can be by the patient as well. And at the last, these can lead to some adverse event with the patient. This is also the patient safety model of healthcare. It has three basic steps, or it has three basic components. One is with the patient, other is with the system, and the third one is with the workers. At the left side, this is with the patient. If the patient has a better knowledge about the disease, he's having a better understanding about what is going on with him, what kind of procedure he's going to have, and what kind of medication he's having, then it means he's having a better understanding of his disease. The next, on the right, there are two components. One is the system, the hospital management, and the other one is the workers.
regarding the system, the hospital management, if there is time, there is problem with the time management, if there is deficiency of the departments, then this can lead to a delay in the diagnosis of the disease of the patient. And the third component is the workers, the doctors. If the doctors, they are inexperienced, they are, have overworked, such are the, if there are such kind of errors in the system, then this can even lead to compromising the patient's safety. Suppose that now they're in the hospital emergencies, there is a code that we use. A patient that comes in emergency, we basically divide that whether we have to put the patient in a red code, yellow code, or a green code. Anyone know about these codes? No, ma'am. Okay. If a patient who is having fever and sore throat, he comes to the emergency department, we give him or her the green code. That means the green code means the patient is stable. He or she can wait. Then next is a patient who comes in emergency and he is having a high blood pressure. If we are going to give him or her a yellow code, means his blood pressure is very high, so he or she can have the brain hemorrhage if we do not control at that time. We are going to give that person a yellow code. And next is a person who has come in emergency with shock. He is directly going to the ICU, we are giving him or her the red code. This is an example of how we are effectively managing the patients at the emergency. So we are actually, this one component is the time management. If we have if we do not have this kind of code in emergency, then what will happen? A patient who can wait for 10 to 15 minutes, he is getting treatment first, and the patient who needs to get treated within 5 minutes, his treatment may get delayed and he can go into death. Yes, Amir. मैम मीटिंग कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा दें, कुछ स्टूडेंट को इशू आ रहा है, मीटिंग की जो कैपेसिटी है वो फुल हो चुकी है, ज्वाइन नहीं कर पा रहे वो। मेरे पास एक्चुअली जूम बेसिक है, उसके अंदर 100 कैपेसिटी है। उसके बाद ही हो सकता है कि इस लेक्चर के बाद जो है ये यहाँ से जो है लेक्चर खत्म होता है तो उसके बाद जो पार्टिसिपेंट्स रह जाएंगे वो वहां पर जो है उनको इनवाइट कर लेंगे। जी ठीक हो। ओके मैम। एमन आसिफ। एमन आर यू हियर? यस मैम। ओके, आपको भी पेशेंट सेफ्टी की क्या समझ आई है? मैम मैंने आज ही ज्वाइन की है क्लास। ये फर्स्ट लेक्चर है, आपको भी क्या समझ आई है? आमिना जावेद? यस मैम। ओके आमिना, आपको आपको पेशेंट सेफ्टी की क्या समझ आई है? मैम पहले आपने बताया पेशेंट सेफ्टी की डेफिनेशन, आपने बताया कि वो सब जो पेशेंट होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं विद द मेडिकल सिस्टम ताकि उनकी रिकवरी को मैक्सिमाइज किया जाए और उनके जो इंसिडेंट्स हैं उनको मिनिमाइज किया जाए। उसके अलावा आपने स्विस मॉडल का बताया, उसके कुछ लेटेंट फैक्टर्स होते हैं, मतलब स्लाइसिस बनी होती है जिसमें से पेशेंट को मतलब बारी बारी जो है पास किया जाता है, एक पहले एक मतलब बना होता है मॉडल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मतलब एक स्लाइसेस होते हैं ना, तो पहले एक स्लाइस से पास किया जाता है, फिर सेकंड, देन थर्ड। और जो फिर आपने तीसरी बार बताई है कि तीन कोट होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। रेड में होता है कि आपको जब कोई फीवर है तो आप उनको रेड कोट दे देते हो, अगर वो एमरजेंसी सिचुएशन में जाता है तो आप उनको येलो, नहीं, जो इमरजेंसी में तीन कोड्स होते हैं रेड, येलो, ग्रीन। ग्रीन होता है कि पेशेंट स्टेबल है, वो वेट कर सकता है, इवन इवन अगर आप उसको विद इन हाफ एन आवर भी ट्रीट नहीं करोगे पेशेंट स्टेबल है, ठीक है। ग्रीन कोड जो है इट मींस कि पेशेंट इज ऑल राइट, उसकी प्रॉब्लम इतनी स्वेयर नहीं है, ठीक है। जो येलो कोड है दैट मींस जो येलो मॉडल, आप दोबारा बता दीजिए। मैं स्विस मॉडल को भी दोबारा बताती हूँ।
जो येलो कोड है डेट इंडिकेट्स कि पेशेंट को ट्रीटमेंट विद इन 15 मिनट्स चाहिए. अगर आप उसमें डिले करेंगे तो उसकी वजह से जो पेशेंट को अपनी प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम के साथ आया है वो एक्सेजरेट करेगी, पेशेंट किसी कॉम्प्लिकेशन की तरफ चला जाएगा. ठीक है. और जो रेड कोड होता है डेट मीन्स कि पेशेंट को इमरजेंसी है, विद इन मिनट्स जो है उसको ट्रीटमेंट रिक्वायर है. फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट जो है वो शॉक के साथ आ गया, कोई पेशेंट कार्डिक एरिथमियाज के साथ आ गया, तो such a person needs immediate treatment. उसमें हम डिले नहीं कर सकते. ठीक है. ये कोड जो होते हैं हॉस्पिटल इमरजेंसीज में यूज होते हैं और ये कोड हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि टाइम को मैनेज किया जा सके. ठीक है. सो ये एक एग्जाम्पल बन जाती है पेशेंट सेफ्टी की. मैम ये जो मॉडल जो थ्री की है ये भी एक्सप्लेन कर दें एक दफा. स्विस चीज मॉडल? नो मैम, जो नेक्स्ट वन मॉडल है जो थ्री इंटरेक्शन है वर्कर के साथ, पेशेंट के साथ और जो अदर वन है हेल्थ केयर के साथ. ठीक है. मैं पहले स्विस चीज मॉडल को दोबारा बता देती हूँ. स्विस चीज मॉडल ये होता है कि जब कोई पेशेंट हेल्थ केयर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है तो डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर जो है वो प्रोटेक्शन बैरियर्स होते हैं. ठीक है. ताकि पेशेंट को हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की वजह से कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, हेल्थ केयर सिस्टम की वजह से उसको कोई डिजीज ना हो. ठीक है. सब ये इस तरह के स्टेप्स हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने इमरजेंसी में आपको वो कोड्स के एक एग्जांपल दी है ताकि हम इमरजेंसी में टाइम को मैनेज करें. ठीक है. अगर उस टाइम हम टाइम को मैनेज नहीं करते तो वो एक फ्लॉ है. ठीक है. उन्होंने इस फ्लॉ को इस होल की सूरत में प्रेजेंट किया हुआ है. जो स्लाइस ऑफ चीज है वो बेसिकली प्रोटेक्शन बैरियर है. वो डिफरेंट मेजर्स होते हैं जो हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करता है ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो सके. लेकिन अगर उस सिस्टम के अंदर कोई फ्लॉज होते हैं, कोई डेफिशिएंसीज होती हैं, वो जो है प्रेजेंट होती है इन द शेप ऑफ होल्स. अगर सपोज वो इमरजेंसी के अंदर एक पेशेंट है जो हाइपरटेंशन में था, ठीक है, आपने उस टाइम उसको मैनेज नहीं किया, पेशेंट को ब्रेन हैमरेज हो जाता है, इट मीन्स कि वो उस होल से पास कर जाएगा. ठीक है. फर्दर ये है कि अगर उस टाइम कोई एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं मौजूद है, आपके पास सीटी स्कैन की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो ये एक और जो है वो होल है, डेफिशिएंसी हो जाएगी और पेशेंट जो है वो इस होल से फिर आगे चला जाएगा. ठीक है. ब्रेन हैमरेज है, पेशेंट जो है उसके बाद जो है वो पैरालिसिस की तरफ चला जाएगा. सो दीज आर द होल्स. अगर सपोज हमारे पास उस टाइम पर सीटी स्कैन की अवेलेबिलिटी होगी तो ये पेशेंट के लिए प्रोटेक्शन बैरियर है, वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाने देगा. स्लाइसेस ऑफ चीज जो है वो प्रोटेक्शन बैरियर को शो करते हैं, वो उन मेजर्स को शो करते हैं जो हेल्थ केयर सिस्टम अडॉप्ट करता है. और वो जो होल्स हैं जो चीज के अंदर वो होल्स दिखाए जाते हैं वो बेसिकली डेफिशिएंसीज होती हैं, फ्लॉज होती हैं. अगर उन फ्लॉज को उसी टाइम पर करेक्ट नहीं किया जाता तो वो पेशेंट जो है वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाता है. एनी प्रॉब्लम विद स्विस चीज मॉडल? No, ma'am. Okay. Alia Ehsan. Alia, are you here? Yes, ma'am. Okay. अभी मैंने दोबारा स्विस चीज मॉडल को जो एक्सप्लेन किया, आप बताएं आप क्या समझ रहे हैं? मैम मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था तो मैंने अभी ज्वाइन किया. फाइका शहजादी. मैम जी, मैम स्विस चीज मॉडल को हम लोग इस तरह भी ले सकते हैं कि जब भी कोई पेशेंट आते हैं तो हम उसके डिफरेंट पॉइंट्स पे उसकी चेकिंग होती है, मतलब उसका हेल्थ केयर वर्कर जो होता है, पेशेंट जो होता है वो अपनी प्रॉपर ड्यूटी देता है, मतलब एज अ बैरियर डिफरेंट बैरियर्स के थ्रू गुजरता है ताकि उसकी जो इवैल्यूएशन या केयर जो है वो प्रॉपर हो सके. उसको इस तरह से भी दिया जा सकता है. हाँ, ये जो बैरियर्स होते हैं ना, प्रोटेक्शन बैरियर्स, ये बेसिकली होता है कि अगर सपोज एक पेशेंट आपके पास जो है वार्ड के अंदर एडमिट है, आपने उसकी प्रॉपर हिस्ट्री ली, उसकी इवैल्यूएशन की, उसकी एग्जामिनेशन की है, ठीक है, आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन की है, तो ये प्रोटेक्शन बैरियर है, ठीक है, जो हमने उसके डायग्नोसिस के लिए लिए हैं. लेकिन अगर वो जो होल्स हैं वो उनके फ्लॉज हैं, सपोज इन वार्ड ही पेशेंट को अगर हमने कोई रॉन्ग ड्रग दे दी है, ठीक
ठीक है, सपोज दो ड्रग्स थी वो साइड बाय साइड पड़ी थी, हमने उनको लेबल नहीं किया है, ठीक है, और हमने गलती से रॉन्ग ड्रग जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दिया है, तो ये जो है ये फ्लॉ होगा, ये होल है. पेशेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हम उठाते हैं वो सब के सब स्लाइसेस में आते हैं, और जो उनके अंदर डेफिशिएंसीज हमारे सिस्टम के अंदर रह जाती हैं, चाहे वो इंडिविजुअल फॉर्म में है, वो फिजिकल फॉर्म में है, या किसी नॉन लिविंग में, फॉर एग्जांपल हमारे पास वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है, वो हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, वो प्रोसीजर नहीं हम परफॉर्म कर सकते हैं, वो होल्स की सूरत में आती हैं. नेक्स्ट जो है वो पेशेंट सेफ्टी मॉडल है हेल्थ केयर. उसमें बेसिकली उन्होंने 3 कंपोनेंट्स बताए हुए हैं कि पेशेंट की सेफ्टी को जो है वो हम ज्यादा बेहतर तरीके से इंश्योर कैसे कर सकते हैं. उसमें सिर्फ ये इट्स नॉट अ वन साइडेड, इट इज टू साइडेड. उसमें उन्होंने पेशेंट्स को भी इन्वॉल्व किया है और हेल्थ केयर सिस्टम को भी इन्वॉल्व किया है. लेफ्ट साइड पे जो है वो पेशेंट है हु इज गोइंग टू रिसीव द केयर. वो कहते हैं कि अगर पेशेंट को अपनी डिजीज के मुतालिक ज्यादा अच्छा नॉलेज है, उसको पता है कि वो कौन सी मेडिकेशन ले रहा है, उसको पता है कि वो कौन सा प्रोसीजर जो है उसके साथ परफॉर्म करने लगे हैं, उसकी कौन सी सर्जरी होने लगी है, ठीक है, तो ही इज मोर गोइंग टू हैव अ बेटर ट्रीटमेंट. साइकोलॉजिकल भी होगा और दूसरा जो है वो फार्माकोलॉजिकल भी होगा. ऑन द राइट साइड हमारे पास जो है वो 2 है, एक हमारे पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट आ जाती है और दूसरा होता है वर्कर्स, जिसमें हमारे पास क्लिनिशियंस आ जाते हैं और दूसरा जो मेडिकल स्टाफ आ जाते हैं. सो ऑल इन ऑल वो ये कहना चाहते हैं कि जो पेशेंट सेफ्टी मॉडल है उसमें सिर्फ हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें पेशेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है. सपोज अगर एक क्लिनिशियन जो है वो अपने पेशेंट को कोई एंटीकोएगुलेंट दे देता है, ठीक है, लेकिन पेशेंट पहले से ही कोई एंटी प्लेटलेट जो है ब्लड थिनर ले रहा है और वो अपने क्लिनिशियन को नहीं बताता, उसकी वजह से उसके ब्लीडिंग के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो इससे पेशेंट की जो सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज होगी. एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? नो मैम. नो मैम. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एरर. एरर बेसिकली ये होता है कि आपकी इंटेंशन बिल्कुल ठीक थी लेकिन जो आपने परफॉर्म किया वो रॉन्ग था, ठीक है, और वायलेशन ये होती है कि आपको एक चीज है उसके बारे में पहले से नॉलेज था लेकिन स्टिल यू डिड इट रॉन्ग, वो वायलेशन होगी. और ये कुछ सिचुएशंस होती हैं वो एसोसिएटेड होती हैं विद इंक्रीज रिस्क ऑफ एरर में. फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने टास्क के साथ अनफेमिलियर हैं, इनएक्सपीरियंस हैं, टाइम शॉर्टेज है, या अगर किसी पॉइंट पर जो है वो चेकिंग इनएडिक्वेट है, पुअर प्रोसीजर्स हो रहे हैं, या पुअर ह्यूमन इक्विपमेंट इंटरफेस है. फॉर एग्जाम्पल जो हम फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेप्रोस्कोपिक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो सर्जन लेप्रोस्कोपिक परफॉर्म कर रहा है ही इज नॉट दैट मच ट्रेंड विद दैट इक्विपमेंट, ठीक है, तो ड्यूरिंग सर्जरी जो है वो कोई इंजरी कॉज कर सकता है, कोई इंटेस्टाइन को इंजरी कॉज कर सकता है, बिलरी ट्रैक है उसको इंजरी जो है वो कॉज कर सकता है. सो दीज आर द सिचुएशंस दैट आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ एरर. कुछ जो है एरर के अंदर जो है वो फिजिकल और नॉन फिजिकल जो है फैक्टर्स आ जाते हैं, लिविंग नॉन लिविंग फैक्टर्स आ जाते हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल आ जाते हैं. कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डॉक्टर्स के साथ हैं या क्लिनिशियंस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, मेडिकल पर्सन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, कुछ जो होते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ एसोसिएटेड है. इंडिविजुअल फैक्टर्स में अगर हम देखते हैं तो लिमिटेड मेमोरी कैपेसिटी हो सकती है, फर्दर रिड्यूस हो सकती है अगर जो क्लिनिशियन है, डॉक्टर है, मेडिकल पर्सन है वो फटीग है, उसको स्ट्रेस में है, हंगर है, इलनेस हो सकती है, कोई लैंग्वेज बैरियर हो सकता है पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान, या हैजर्डस एटीट्यूड्स हो सकते हैं. बेसिकली ये ऑल दीज फैक्टर्स लीड्स टू पुअर डिसीजन मेकिंग और उसकी वजह से जो है अल्टीमेटली जो है ट्रीटमेंट पे इफेक्ट आएगा और इसकी वजह से पेशेंट सेफ्टी जो है वो कम्प्रोमाइज होगी. इस ग्राफ के अंदर उन्होंने बेसिकली स्ट्रेस का और परफॉर्मेंस का जो है वो इंटरेक्शन शो किया हुआ है. एट वेरी लो स्ट्रेस लेवल यू आर बोर, योर परफॉर्मेंस इज लो. At very high stress level, you are having anxiety and you are panic. In that case, the performance level is low. But in the mid, when there is adequate stress level, you can handle that stress. In that case, your performance is good. This is all for all the healthcare workers.
एरर समझ आ गया आपको? मैम लास्ट स्लाइड दोबारा बताइएगा। ये बेसिकली जो है उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स के बारे में बताया हुआ है कि अगर सपोज आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहां पर स्ट्रेस लेवल बहुत लो है, ठीक है, उस केस में भी परफॉर्मेंस लेवल जो है वो लो होगी बिकॉज ब्रेन जो है वो एक्टिवली काम नहीं कर रहा। जैसे जो भी टास्क रेपिटेटिव होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने चार्ट लिखना है, स्टूडेंट्स के केस में जो होमवर्क होता है वो, ये दे आर लो स्ट्रेस, उस केस में ब्रेन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, उसमें आपकी परफॉर्मेंस होती है वो लो होती है। हाई स्ट्रेस केसेस में आप एंशियस होते हैं, पैनिक होते हैं, ब्रेन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होकर काम नहीं करता, उस केस में भी जो है परफॉर्मेंस जो है वो लो हो जाती है। इन द मिड, जो ग्राफ के मिड में उन्होंने स्ट्रेस लेवल दिखाया हुआ है कि एक मिडल स्ट्रेस लेवल के ऊपर परफॉर्मेंस लेवल जो होती है वो एडिक्वेट होती है, ठीक है, जिसमें जो है वो ब्रेन जो है वो आप ना तो एग्जॉस्ट होते हैं ना बर्न आउट होते हैं और आप जो है एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो ब्रेन है वो एक्टिवली परफॉर्म कर सकता है। माहीन जफर। यस मैम। ओके माहीन, आपने एरर और वायलेशन का डिफरेंस बताना है। यस मैम, एरर वो होता है कि जब जो जो भी हेल्थ केयर टीम है उसका कोई अगर पर्सन है वो चाहता नहीं है लेकिन फिर भी उससे गलती से हो जाता है, लेकिन वायलेशन वो है कि अगर वो डेलिबरेटली करता है तो फिर वायलेशन होती है। ठीक है, मोमिना अरशद। निकम इतरी नहीं हुई मोमिना कौन वाली कांड है जो बड़ी बेकाशी है ना भाई। मैं भी शलील। मैं भी शालू है। मोहम्मद हामिद। रिमशा शब्बीर। रिमशा आर यू हियर? यस मैम। ओके, आपने मुझे वो इंडिविजुअल फैक्टर्स बताने जिनकी वजह से एरर हो सकता है। मैम मुझे इतना यानी कि मतलब जहन में नहीं है, बस इतना आइडिया है कि अगर कोई डॉक्टर हेल्थ केयर वर्कर एरर करता है तो किसी भी यानी अपने स्ट्रेस लेवल की वजह से या उसका माइंड डाइवर्ट हो या फिर इस तरह के कोई फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेस जो है वो एक फैक्टर है, ठीक है, जो जिसकी वजह से एरर हो सकता है, इसके अलावा और एकदम से माइंड से निकल गया, कोई बात नहीं। जरवा गोहर। जरवा आर यू हियर? मलिका ताहिर। यस मैम। ओके मलिका, आप ही एक या दो जो है वो ऐसे फैक्टर्स बताएं जो कि एरर का जो है वो कॉज हो सकती हैं। मैम अभी आपने पढ़ाया ये? जी जी बताया। मैम मेरी ना मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही थी, मैं अभी आई हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स में जो है तमाम फिजिकल और नॉन फिजिकल, लिविंग नॉन लिविंग फैक्टर्स आ जाएंगे, मेडिकल नॉन मेडिकल फैक्टर्स आ जाएंगे, तमाम फैक्टर्स जो किसी भी पर्सन की जो है एफिशिएंसी को इफेक्ट कर सकते हैं। कोई भी पर्सन जो है खास वर्क प्लेस में अपना काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी को जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। ये ह्यूमन फैक्टर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंस इनकी ये है कि
जो नेगेटिव ह्यूमन फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे तो फिर हम उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे और इन रिटर्न जो है वो पेशेंट सेफ्टी जो है वो बेहतर हो सकती है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि वो वांट टू अंडरस्टैंड के ह्यूमन फैक्टर्स और पेशेंट सेफ्टी का आपस में रिलेशन क्या है. और इसकी जो स्टडी है उसको एर्गोनॉमिक्स कहते हैं. It is a study of all the factors that make it easier to do the work in the right way. Zerba,